इमरान खान के ऊपर जो बुजदिलाना हमला हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इमरान खान के इस मार्च से, इस आज़ादी मार्च से, हकीकी मार्च से इतनी घबराई हुई थी कि राणा सनाउल्ला एक वजीर दाखिला होते हुए जिस तरीके से बयानात देते रहे, धमकाते रहे, खूनी मार्च कहा कि ये खूनी मार्च होगा, उसका यही आज मतलब निकला कि खूनी मार्च कैसे था, और एक बंदा आके डायरेक्ट इमरान खान को निशाना बनाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसके पीछे कौन लोग हैं? बिल्कुल इनको बेनकाब होना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये मार्च जारी रहेगा। ये हकीकी आज़ादी की मार्च है, ये कौम की आज़ादी की मार्च है, ये जारी रहेगा। इमरान खान डरने वाला नहीं है, और जो भी जिसने भी ये बुजदिलाना कार्रवाई की है इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेगा, और राणा सनाउल्ला के खिलाफ इसका बाकायदा FIR काटी जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि वो जिस तरीके से बुकलाहट में, जिस तरीके से वो बयानात देता रहा है इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह धमकियां देता रहा है, वो ना धमकियां उनकी काम आई, कुछ भी नहीं, ये उनका खौफ था कि किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। कितनी बदकिस्मती है, जो शख्स इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, जो मुल्क के अवाम के लिए लड़ रहा है, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सारे इंपोर्टेड लोग जो करप्शन में भरे हुए हैं, करप्शन से, वो इस वक्त हम पे मुसल्लत है। इंशाअल्लाह ताला अवाम इसका हिसाब लेगी, और ये याद रखा जाए कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान महफूज रहे हैं, उनको 2 से ज्यादा गोलियां लगी हैं, टांग उनकी जख्मी है बाएं, और उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। वो आज भी कह रहा है लोगों से कि डरने नहीं, तो इसलिए ये कौम डरने वाले नहीं है। और राणा सनाउल्ला, आप जितने भी धमकियां दें, एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये कौम पीछे हटने वाले नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान ने डेडलाइन दी है उसी डेडलाइन के मुताबिक सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फिर हम देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले यहाँ उनको लाया गया, मुझे आपको ये बताते हुए तसल्ली है कि उनकी तबीयत स्टेबल है और उनकी तबीयत ठीक है। अलबत्ता उनकी जो इमरजेंसी इवेलुएशन हुई है, जिसके अंदर एक्सरे भी हुए हैं, स्कैंस भी हुए हैं, उसके अंदर ये मालूम होता है कि कुछ बुलेट श्रैपनल, ये बुलेट के जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो उनकी टांगों में मौजूद हैं, और एक जगह पे उनकी जो एक टांग है, टिबिया की जो बोन होती है, उसमें बोन थोड़ा सा चिप हुई है। इस वक्त तक इतनी मालूमात हैं और इतनी इंफॉर्मेशन है। फिर से मैं दोहरा दूँ, उनकी तबीयत स्टेबल है, उनके ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस बिल्कुल ठीक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, उनको पेन कंट्रोल दिया गया है, लेकिन उनकी जो एवेल्यूएशन हुई है, एक्सरेज और स्कैन हुए हैं, उसके मुताबिक बुलेट के फ्रैगमेंट्स, टुकड़े टांगों में मौजूद हैं, और एक जगह के ऊपर टिबिया बोन जो होती है दाएं साइड पे, उस पर थोड़ा चिप हुई है बोन। यानी डॉक्टर साहब बताइएगा, मेडिकल और किस जगह टुकड़े लगे, कौन सी दाएं या बाएं? दाएं साइड पे टिबिया बोन जो होती है, जो टांग की निचली वाली बोन होती है। इस वक्त इससे ज्यादा मैं आपको ना बता सकता हूँ, ना मुनासिब होगा, क्योंकि अभी इमीडिएट इवैल्यूएशन जी, अभी अभी इस वक्त उनका